नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। अगर आप बागे बहु या फिर बहु फोर्ट इलाके में रहते हैं, या फिर इधर आने की सोच रहे हैं, या फिर महामाया मंदिर की जाने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपको इस इलाके में अकेला सफ़र करना भारी पड़ सकता है, आपको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि इस इलाके में कल रात 2 तेंदुए देखे गए हैं। और ये जो जगह बताई जा रही है जहाँ पर ये पेड़ लगे हुए हैं, ठीक शाम को इसी जगह पर रात में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने 2 तेंदुओं को बैठा हुआ यहाँ पर देखा। और जब बच्चों ने यहाँ पर देखा और शोर मचाया, तो वो तेंदुआ यहाँ से होता हुआ इस तरफ से होता हुआ नीचे से यहाँ इस तरफ आया है, और इस तरफ से पगडंडी बनी हुई है, इसी पगडंडी के रास्ते होता हुआ वो यहाँ आया है। और ये सामने जो आप जंगला देख पा रहे हैं, इसी जंगले को पार कर कर दोबारा दूसरी तरफ कूद गया है। दोनों इसी तरफ आ रहे थे, ये जंगला जो आप देख रहे हैं इस जंगले की तरफ आया है यहाँ से पार कर कर, और फिर दूसरी तरफ जो नीचे जंगल है महामाया के मंदिरों का नीचे का जंगल है जहाँ पर केबल कार ऑपरेट होती है, जहाँ केबल गंडोला कार जो है वो लगी हुई है, इसी जगह पर ये 2 तेंदुए जो हैं वो स्पॉट किए गए हैं। इससे पहले जो है 1 तेंदुआ इस इलाके में देखा गया था, लेकिन कल शाम को 2 तेंदुए देखे गए। ये शायद आप देख सकते हैं कि उनके नाखूनों के निशान हैं जो पंजों से, क्योंकि मिट्टी यहाँ पर पक्की है और यहाँ पर इस तरह से छाप तो नहीं पड़े, लेकिन कुछ एक निशान जरूर यहाँ पर उनके कदमों के जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे ये यहाँ से फिर उधर चला गया है, सीधा आगे यहाँ से हम आपको दिखाएंगे, तो ये रास्ता जो है यहाँ से नीचे चला गया हुआ है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, वो पूरा ट्रैक आपको दिखा रहे हैं जिस ट्रैक से होकर तेंदुआ यही नीचे वाले रास्ते से आया है, और इसके बाद यहाँ से ये तेंदुआ सीधे डबल यानी कि जोड़े में थे, 2 थे। और ये जो रस्सी का निशान देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कदमों के निशान जो हैं उनके पड़े हुए हैं, और यही कदम के निशान जो हैं सीधे आगे की तरफ इस रास्ते से होते हुए तेंदुए दोनों जो हैं वो आगे जंगल की तरफ चले गए हैं। ये पूरा महामाया का मंदिर के नीचे का जो जंगल है, हर की पौड़ी के ऊपर और महामाया मंदिर के नीचे, ठीक सामने आप रेलवे ट्रैक भी जो है यहाँ पर देख सकते हैं, रेलवे ट्रैक भी बना हुआ है। इससे पहले भी यहाँ पर एक तेंदुआ जो है स्कूल की दीवार पर कुछ महीनों पहले एक स्पॉट किया गया था, लेकिन इस बार जो है 2 तेंदुए जो हैं जोड़े में वो देखे गए हैं। और निश्चित रूप में ये सावधानी बरतने वाली बात है, अगर आप महामाया मंदिर अकेले जाने की सोच रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खतरा इस समय बना हुआ है, 2 तेंदुए इस समय हैं। रात में जब ये खबर सामने आई तो पुलिस की टीम और वाइल्ड लाइफ टीम जो है वो दोनों यहाँ पहुँची थी। यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने कुछ पटाखे चलाए ताकि यहाँ से तेंदुआ निकल कर जंगल में चला जाए और रिहायशी इलाके पे किसी तरह का कोई खतरा ना रहे, लेकिन जिस तरह से वो तेंदुआ बैठा था पूरी तरह से वो हमले की ताक में था, और छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर रहते हैं उनसे कहीं ना कहीं उनको खतरा है। एक भाई साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, क्या कुछ हुआ था रात को, क्या कुछ आप लोगों ने देखा है? रात को मैं सर घर में था, बच्चियाँ थी घर में, 4 बेटियाँ मेरी, वो इतनी चिल्लाई है पर कि तंदुआ 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 तो अंदर बंद हो गई। फिर मैं आया तो बाहर निकलने नहीं दिया, इतना ज़बरदस्त मतलब रोई है पूरी रात, ये बच्चे नहीं सोए कि यह कब घुसता, क्या होता क्या नहीं होता। पहले एक के लिए बोला था उन्होंने, घर के बाहर ही था। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ से देखो यहाँ कितना सब, तो बिल्कुल ही नज़दीक, तो बच्ची इतनी रोई है बस। रात को फिर पुलिस वाले आए, दो तेंदुए थे, मगर जितना घोड़ा नहीं होता है, घोड़े जितने परसों चौथ इधर नीचे के लिए बोल रहे थे, ये जो हल्की पौड़ी, हाँ यहाँ के लिए बोल रहे थे, तो आज इधर आ गए, कल हो सके किसी बच्चे को मार दे, किसी हमारे ऊपर टेक हो गया, खतरा बना हुआ या बच्चे को या हमें ऊपर टेक कर लिया तो मुश्किल होता नहीं। दूसरी बात है, गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, इनको पकड़ो या कुछ तो कुछ। दिन में कोई वाइल्ड लाइफ की टीम नहीं आई आपके? ना, दिन को कोई नहीं आया, रात को आए थे 2-3 बार पुलिस वाले आए थे, तो यहाँ से सीधे इधर आगे गए, आगे परली साइड में एक घर और है, वहाँ भी कहीं उन्होंने देखा है। अच्छा, हाँ, उसके बाद रात को सोए नहीं, कोई पूरी रात ऐसे ही जागते रहे, दहशत में बिल्कुल भाई। इधर पुलिस वाले बच्चों ने देखा था, आपके जो बच्चे थे उन्होंने? हाँ बच्चों ने देखा। ओ बच्ची बोल, इधर आके
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो परिवार वाले भी जो हैं, परिवार वाले जो हैं वो मौजूद हैं। इन्हीं के घर के एक बच्ची ने जो है वो उन्होंने जो है इस तेंदुए को स्पॉट किया है, देखा है, और उसके बाद तेंदुए यहाँ से दूसरी जगह निकल गए। क्या कुछ हुआ था रात में यहाँ पर, आप लोगों को क्या मालूम चला? बस बाहर शोर मचा हुआ था कि कुछ ऐसा शोर मचा हुआ था। मेरी छोटी सिस्टर बाहर निकले बरामदे में, वहाँ उन्होंने सामने देखा कि दो शेर जा रहे थे यहाँ से, हाँ तेंदुए थे दोनों जोड़ी के ऐसे जा रहे थे यहाँ से, और जैसे वो यहाँ पहुँचे यहाँ से वो गायब हो गए। थोड़ी देर के बाद उससे छोटी वाली सिस्टर सामने आई, उसने देखा कि थोड़ी देर के बाद वो यहाँ से जंप मार के दूसरी तरफ चलेगी। उसके बाद फिर वो जंगल में नीचे की ओर गए या ऊपर की ओर हमें कुछ पता नहीं है, बस यहाँ तक ही। दहशत है पूरी जगह? हाँ जी सर, बहुत डर है, डर तो है। तो रात भर कैसे सोए फिर आप लोग, डर के मारे ही? डर के मारे, दो मिनट के लिए तो हम मतलब किसी को बाहर नहीं निकलने दे रहे थे कि बाहर हो क्या रहा है, हम वो भी नहीं देखना चाह रहे थे, दरवाजे बंद कर लिए थे। लेकिन फिर हमने सोचा कि यार पता तो चलने चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा वॉशरूम है, हमें ये शक था कि इसके अंदर तो नहीं चले गए कहीं, ऐसा ना हो कहीं कोई जाए और अंदर बैठे हों। फिर मोहल्ले वाले आए, पुलिस वाले आए, उसके बाद थोड़ा हमें रिलैक्सेशन फील हुआ कि हाँ यार कोई तो आया। दिन में कोई नहीं आया अभी टीम? नहीं सर, अभी तक तो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर तलाशी होनी चाहिए। सर वो तो होने चाहिए और हो भी रही है काफी टाइम से, क्योंकि काफी टाइम से ये बोले जा रहा है कि यहाँ पे तेंदुए है, ये है, वो है, मगर कुछ अभी तक ना तो ये पकड़े जा रहे हैं ना कुछ पता चल रहा है। लगता है कि जो जिन लोगों ने देखा उनकी जान बाल बाल बची है? जी हाँ, वो वहाँ पे बच्चों के लिए भी सुना कि बच्चे सामने थे, तो शुक्र है भगवान का कि बच गए। माता रानी का आशीर्वाद है यहाँ पर, बावे वाली माता का, उनकी बावे वाली माता रानी की दया से सब ठीक है, वरना तो बहुत मुश्किल है। सकते हैं इसको सर्च किया जाए, सर्च किया जाए। यहाँ पर एक और माता जी हमारे साथ हैं। माता जी आपने भी देखा क्या? नहीं मैंने नहीं देखा, मैंने लड़की ने देखा। आपकी लड़की ने देखा? हाँ। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने इधर से देखा, दो इकट्ठे थे इधर तक, फिर उसका पापा बाहर जाने लगा, उसको बाहर नहीं जाने दे, वो रोए, इतनी रोई पूरी रात को नहीं सोए वो। अच्छा हाँ, बस यही मेरे को पता है और नहीं। तो अभी दिन में भी दहशत है, डर का माहौल है यहाँ? हाँ वो तो है, दिन को भी डर है, आगे जंगल पहले है। भी कभी देखा ऐसे यहाँ पे? नहीं पहले नहीं देखा, पहले हमने सुना था ना स्कूल की दीवार पर एक बार आया था, उधर पीछे पीछे अपना नाके के ऊपर। अच्छा वहाँ बैठा हुआ था, उन्होंने फोटो लिया, फोटो लेने के लिए पूरे मतलब पूरे मोबाइल में फोटो किया। अच्छा हाँ, वहाँ से वो चले गया पीछे ऊपर, कहीं बकरियाँ मारी, भैंसे कोई मारी, पाए कुत्ते ले गया, बहुत कुछ किया उसने, उसके बाद नजर नहीं आया। करीबन 4-5 महीने से ये यहाँ पर घूम, 4-5 महीने से घूम रहे हैं, एक ही था पहले, अभी डबल में घूमता ऐसा, ये ऊपर से ये ट्रैक से लेके ऐसे करके तो ये माता के मंदिर के बैक साइड तक इधर ही कहीं बैठता है, रात को भी की दिन को भी इधर। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको सर्च करके उसको पकड़ा जाए, दिन में पकड़ा जाए सर। तो रात में खतरा हो सकता है किसी को? रात को जंगल में कौन का जाएगा, खतरा हो सकता है, बहुत जबरदस्त खतरा है सर। रात को बोलते हैं अगर इसे जंगल की साइड में जाए तो बोटे के ऊपर चढ़ जाता है, वो बोटे से अटैक करता है। अच्छा नीचे से आदमी चलता रहेगा, नीचे से अगर गुजरता रहेगा, बोटे से छलांग लगाएगा तो एकदम अटैक करेगा, तो बस गया आदमी इधर, इतना बहुत खतरा है ज्यादा। मगर गवर्नमेंट को सर्च किया जाए, यहाँ से लेके वहाँ तक सर्च किया जाए, हो सके दिन में वो पकड़े जाए। हर की पौड़ी की तरफ कब देखा गया था ये पता नहीं, 4-5 दिन के पहले ये आदमी नहीं खड़े सामने, आप देख रहे हैं जो आदमी नीचे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर इस समय काम चल रहा है तारकोल डालने का। इस तरफ भी जो है 2-3 दिन पहले जो है एक तेंदुआ स्पॉट हुआ था, और ये कहीं ना कहीं ये जो पूरा महामाया का जंगल जो पड़ता है, बाहू फोर्ट से लेकर महामाया तक का जंगल, इसी बीच में पिछले 4-5 महीने से घूम रहा है। कुछ दिनों पहले जो है स्कूल की दीवार पर बैठा हुआ देखा गया था, उसकी पिक्चर्स भी जो है वो सामने आई थी, वो वायरल हुई थी। और आज जिस तरह से यहाँ पर दहशत का माहौल है, क्योंकि कल रात को इस जगह पर जो है ये माता की चुनरी जो लगी हुई है, तुलसी माता का पौधा जो लगा हुआ है, यहाँ पर जो है ये तेंदुआ जो है स्पॉट हुआ था इस जगह पे, और यहीं से तेंदुआ जो है इस घर पर अटैक भी कर सकता था। और यहाँ पर बच्चे थे छोटे छोटे, जिन बच्चों ने जो है यहाँ पर देखा, इस तेंदुए को देखा, और उसके बाद शोर मचाया। शोर मचाने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ निशान जरूर आपको मिलेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ इन लोगों ने देखा और क्या कुछ यहाँ से इन लोगों को जानकारी प्राप्त हुई। ये घर है
आप सोच लीजिए कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहीं से बच्चों ने जो है इस जगह पर बैठा हुआ तेंदुआ देखा, और कितनी कम दूरी है जहाँ से वो सीधा अटैक कर सकता था, जंप कर कर बच्चों पर अटैक कर सकता था, लेकिन शोर मचाया गया। शोर मचाने से कहीं ना कहीं उसको घबराहट हुई होगी और वो दूसरी तरफ जो सामने रास्ता गया है उस रास्ते पर निकल गया। घर के सदस्य लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आपके घर के बिल्कुल पास में ही? हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास में बस इधर ही सामने है। मेरी बहू आ रही थी उधर से, तो हम पूजा करके अंदर से निकले, तो बच्चे भी छोटे पूजा कर रहे थे, तो इधर से बहू आई, बोलती मासी बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना। माँ हुआ क्या? बोलती मासी इधर चीता आ गया। चीता माँ कहाँ है? मासी इधर पास में मेरे। तो बच्ची भी करलाई, छोटे वाली ये जो भी बाहर थी वो इससे छोटी है, बिल्कुल 1.5 साल की बच्ची। हाँ, सबसे पहला नंबर बहू ने देखा, तो वो करलाओ आ जा संतोष। हाँ, सबसे पहले बहू ने देखा मेरी। अच्छा। हाँ, उसने बोला बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना। हुआ क्या बच्चे? हाँ, 7:30 बजे की बात है, 7:30 बजे। हाँ, दे रहा था इधर बहुत, तो बोलने लगी मासी चीता आया। माँ कहाँ है? देखे इधर पास में मासी, इधर तो इधर का क्या फर्क है सर? कुछ भी नहीं है, सामने तो है। आपने सबसे पहले उसको देखा था? यहाँ पे था चीता, मैं जब बाहर निकल रही थी। नहीं, मैंने एक ही देखा, दूसरा नहीं देखा। दूसरा नीचे होगा। हाँ, तो मैंने एक ही देखा जी। यही बिल्कुल कहाँ पर बैठा हुआ था? पास में ही था इधर। अच्छा जी, तो बाहर आ रही थी लड़कियां लेके, तो भगवान की कृपा से बच गए। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मासी को आवाज मारी, मासी बाहर नहीं निकलना क्योंकि चीता आया यहाँ पे। इतनी सी आवाज सुन के वो धीरे से इधर से चला गया, फिर मैंने देखा नहीं कहाँ चला गया। बहुत बड़ा खतरा जो चल गया जी, बहुत बड़ा खतरा था। छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, ये घूमते रहते हैं इधर उधर जी। इसी को लेकर आप बाहर आ रहे थे? हाँ, ये दो लड़कियां लेके मैं बाहर आ रहे थे जी। उसने देखा तो ये अभी छोटी है, इसको इतना पता भी नहीं। इससे पहले भी कभी आपने देखा? नहीं, मैंने दूर देखा है, दूर से देखा है, पर पास में नहीं देखा। आज तो मैंने पास में ही देख लिया। इस इलाके में पहले कभी? पहली बार? नहीं नहीं, इस इलाके में पहली बार जी। इस इलाके में पहली बार छोटी लड़की। बेटा आपने भी देखा था? क्या नाम है आपका? अवनी ठाकुर। अवनी, क्या देखा आपने? शेर। शेर देखा? कहाँ बैठा हुआ था? वहाँ नीचे था। नीचे बैठा हुआ था। हाँ। आपने देखा उसको? कितने थे? एक था। हाँ। क्या खड़ा था, बैठा हुआ था? खड़ा था। खड़ा था, तो आप किसके साथ थे? मम्मा के साथ। मम्मा के साथ, तो फिर आप क्या किया, आपने फटाफट अंदर चले गए आप? हाँ। डर लग रहा था आपको? हाँ। पहले कभी देखा था आपने? हाँ। कब देखा था आपने? अभी देखा था। हाँ। इससे पहले कभी नहीं देखा आपने? नहीं। तो आपको डर लग रहा था? हाँ। रात को नींद आई? हाँ। सो गए थे फिर आप? हाँ। फिर मम्मा से सुबह पूछा आपने? हाँ। क्या पूछा था? बोला था मम्मा शेर अभी भी बैठा है। अच्छा, फिर मम्मा ने क्या बोला? मम्मा ने बोला कि हाँ छुपा है। छुपा हुआ है? मम्मा ने आपको बाहर जाने से मना किया? नहीं। क्या बोला आपको? बोला बाहर नहीं जाना। बाहर नहीं जाना, वहाँ शेर आ गया। हाँ, फिर मम्मी ने बोला टीवी देखे, टीवी की आवाज कम करो तो देखो मुझे से कार्टून। अच्छा, कार्टून देखो। तो आपको डर लग रहा है अभी? हाँ। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके जहन पर कितना बुरा असर पड़ा हुआ है। उस शेर का दहशत जो है, उस तेंदुए का दहशत अभी भी इनके जहन पर जो है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। और बिल्कुल पास में ये जहां पर पौधा लगा हुआ है, इसके पास में ही जो है इन लोगों ने उस चीते को देखा। हालांकि अंधेरा का था, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि बरामदे में जो बल्ब लगे हुए थे, उस बल्ब की रोशनी में उस चीते को साफ साफ देखा जा सकता था। और इस कमरे से, ये कमरा जो देख रहे हैं, इसी कमरे से यहाँ की जो बहू हैं वो बाहर निकली, और इस जगह पर पहुंचकर जैसे ही उन्होंने शेर को देखा तो वापस कमरे में चली गई। कमरे में जाकर उन्होंने सबसे पहले अपना दरवाजा बंद किया, और यहां पर बगल में जो मासी रहती हैं उनको भी मना किया कि बाहर मत आना, क्योंकि बाहर चीता जो है वो आया हुआ है, अटैक कर सकता है किसी पर भी। आपको लगता है कि अगर थोड़ी सी देरी हुई होती तो किसी पर भी अटैक कर सकता, किसी पर भी अटैक कर सकता था? दोनों बच्चे उठाने। रात में फिर क्या हुआ? पुलिस आई हुई है? हां, पुलिस आई, इधर हमारे घर नहीं आई, पास में ही आई पुलिस, वहां से बम पटाखे तो चले गए वापस। इससे पहले कभी आपने सुना था कि यहाँ पर तेंदुआ है? नहीं, ऐसे सुना था, नीचे बोल रहे थे नीचे है तेंदुआ, तो इधर देखा नहीं, ऐसे सोचा नहीं था कभी कि ऊपर भी आ जाए, इधर आएगा, पास में ही आएगा। तो बच्चों के साथ काफी मुश्किल हो जाता होगा जी। बेटा आप लोगों ने भी देखा क्या? हाँ। क्या देखा था? जब हम वहाँ से आ रहे थे तो हमने यहाँ पे देखा था। कौन था? तेंदुआ। तेंदुआ था। कितने थे बेटा? एक ही था। एक ही था, तो क्या था, बैठा हुआ था, खड़ा था? खड़ा था। खड़ा था, ऐसे मुंह खोला हुआ था, ऐसे कर रहा था। हाँ। डरा रहा था आपको? तो फिर आपने क्या किया? फिर हम अंदर आ गए यहाँ पे, कमरे में, अंदर से लॉक कर लिया आपने। हाँ। आपने भी देखा था? हाँ।
क्या देखा आपने? इधर था वो खड़ा हुआ, तो हम जैसे मम्मा जी ने बोला दादी बाहर नहीं निकलना, तब तक वो भाग गया। फिर उधर से आपकी आवाज़ सुनकर निकल गया। हाँ। आपसे डरता है वो? नहीं डरता। मम्मा की आवाज़ से डर गया। मम्मी की आवाज़ से डर गया। हाँ, फिर दादी और उन्हें पटाखे फटाए। फटाए थे पटाखे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अब जिस तरह से खतरा बना हुआ है, तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि होने चाहिए जाले वगैरह लगने चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। डर है काफी यहाँ पे। बहुत डर है सर, बहुत डर है कि जहाँ गवर्नमेंट इतना कर सकती है, जहाँ उनको पकड़े, जहाँ अपनी फोर्स लगा के उनको पकड़े, जहाँ उठाएं इधर से, तो हमारा डर भी खत्म हो जाए। नहीं तो इधर कुछ कुछ तो कुछ होना चाहिए, जब बम्ब दें, जब पटाखे दें, कुछ भी होना चाहिए, तो रात की सहूलत होना चाहिए, जहाँ कोई जाले शाले लगना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बाथरूम भी दूर है हमारा, ऊपर साइड में जाना पड़ता है। कैसे हम इधर क्या करेंगे, क्या नहीं है इतनी? ये तो माता की कृपा है जो बावे वाली की, तो ये इधर हम बच गए रहते, छोटे बच्चे बचे मेरे। नहीं तो इधर बहुत मुश्किल थी। उसने तो शिकार अपना कर लेना था ना, दोनों बच्चियाँ उठानी थी उसने, और कुछ नहीं था इधर बच्चों के ऊपर। शिकार के ही वो। हाँ, वो शिकार के ऊपर था, पूरा शिकार के ऊपर था। वह ऐसे वो नीचे से सिर्फ उसने छलांग लगानी थी, इधर से बच्चे उठाने थे, बस पूरी तैयारी में था अपनी माँ। इतनी बार नजर पड़ गई, जो करलाने शुरू हो गए, तो उधर से बैग हो गया, बैग होते ही पिछले बैग वाले घर से आगे चला गया। तो रात में फिर पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई हमारे घर में, इधर कोई नहीं आया, पीछे वाले घर में आते रहे, उधर से वापस चलता जाते रहे, उधर पीछे उधर घर है उधर भी जाते रहे, पुलिस वाले भी आए, माडे वाले भी आए, इधर कोई नहीं आया। सर ये आप लोग आए हो, आप सुबह तीसरी टीम है आपकी जो इधर आई है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बच्चों के जहन पर कितना बड़ा एक सदमा सा लगा होगा, क्योंकि बिल्कुल खुलेआम अपनी आंखों के सामने जब उन्होंने तेंदुए को देखा होगा, तो बड़े बड़ों की जो है हालत पतली हो जाती है अपने सामने तेंदुए को देखकर। ये तो छोटे छोटे बच्चे थे, महिला थी जिनके जिन्होंने इस चीते को देखा। अब हालांकि वाइल्ड लाइफ टीम जो है यहाँ पर आई थी कल शाम को, कल रात के समय में जो SHO हैं यहाँ की कीर्ति, वो भी यहाँ पर आई थी। उन्होंने यहाँ पर कुछ पटाखे वगैरह चलाए ताकि पटाखों की आवाज़ सुनकर तेंदुआ नीचे की तरफ चल जाए, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये निश्चित रूप में एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। और अगर चीता यहाँ पर जिस तरह से तेंदुआ अगर यहाँ पर बना रहता है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप में इनके लिए खतरा हमेशा से बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जिनकी जान पर लगातार खतरा बना हुआ है। और हम उन लोगों को भी सावधान करना चाहते हैं, क्योंकि यहां से ठीक सामने मैं आपको महामाया का मंदिर दिखाना चाहता हूं। ये ठीक सामने आप महामाया का मंदिर जो है वो देख सकते हैं, और इस मंदिर के ठीक नीचे जो जंगल बना हुआ है, ये पूरा जो वाइल्ड लाइफ का सेंचुरी है, इसी सेंचुरी के अंदर इस समय दो तेंदुए जो हैं वो घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। कल वो इस घर तक पहुंच गए थे, इसीलिए अगर आप इस रास्ते से महामाया मंदिर जाने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, अकेले बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि किसी वक्त भी जो है तेंदुआ आप पर हमला कर सकता है। जब तक उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं हो सकता है, तब तक यहाँ के लोगों को भी सचेत रहने की ज़रूरत है। और जो विजिटर यहाँ पर बहूफोर्ट के इलाके में आने वाले हैं या आने की सोच रहे हैं, उन्हें भी सोच समझ कर यहाँ पर अपनी जो आने का जो है वो सोचना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो महामाया मंदिर जाने वाले विजिटर्स हैं, उनको बेहद ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में ये दो तेंदुए जो हैं वो स्पॉट हुए हैं। पहले एक तेंदुआ था, लेकिन अब कल रात को जिस तरह से खबरें आई हैं कि दो तेंदुए जो हैं वो नज़र आए हैं, और ये निश्चित रूप में काफ़ी गंभीर बात है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यहाँ पर एक गहन तलाशी अभियान चलाना चाहिए, ताकि इन लोगों की ज़िंदगी जो है वो दुश्वारियों से कहीं ना कहीं दुश्वारियाँ जो इनकी ज़िंदगी पर उस चीते उस तेंदुए की वजह से घूम रही है, इनके सिर के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, उससे बचा जा सके। बाकी की अन्य खबरों के लिए बने रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। नमस्कार।